अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए विफलताओं के आरोप। कोविड प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, महंगाई नियंत्रण आदि पर घेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। बुधवार को होटल क्रॉसलैंड में अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलताओं, द्वेषता व सरकारी मशीनरी के किए जा रहे दुरुपयोग व कोविड प्रबंधन की असफलता और प्रदेश में बढ़ते अपराध के साथ कांग्रेस की आपसी खींचतान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा। चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना काल के बाद धीरे धीरे प्रदेश सरकार द्वारा की गई दवाइयों, इंजेक्शंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, राशन किट आदि की खरीद और वितरण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार की कलई खुलती जा रही है। इन सब से बेपरवाह मुख्यमंत्री राज्य के नागरिकों को संकट के समय में भगवान भरोसे छोड़कर घर में बैठे हुए हैं। 16 महीने से मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर ताला लगा हुआ है और मुख्यमंत्री घर बैठे सारा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ रहे हैं। ये राजस्थान की जो ये प्रदेश सरकार है कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, ये 2.5-3 साल से आम जनता पे जुल्म से जुल्म जारी है। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। चाहे महिला अत्याचार का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का मामला हो, चाहे किसानों से झूठे वादे का मामला हो, चाहे नौजवानों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, चाहे बिजली का 1 नए पैसे दाम नहीं बढ़ाने का वादा हो, ये सारे झूठे वादे निकले। और राष्ट्रीय स्वयं संघ जो RSS है, जो इस देश के लिए और जो वो प्रचारक हैं, जो सब कुछ छोड़कर इस देश के लिए रात दिन अपने जीवन नौछावर कर दिए हैं, ऐसी पवित्र संस्था को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं राजनीति द्वेषतावश, हम इसकी घोर प्रशंसा करते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये चैलेंज देता हूँ कि आपने जो ये आग में हाथ दिया है, इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। झूठे आदमी को फंसाना, देखिए कोई जुल्म करता है उसको सजा मिले जहाँ तक सही है, पर झूठे निर्दोष आदमी को दोषी करार करके और उसको फंसाने का जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए ये कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है, मैं कह रहा हूँ कोरोना काल में भी ये इतने ही भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। चाहे कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे इंजेक्शन हो, जो इंजेक्शन वो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए में इन्होंने बेचे। कई कार्यकर्ताओं ने हमारे कहा कि हम 50-50 हज़ार रुपये में 1-1 लाख में इंजेक्शन खरीद के लेके आए। इसलिए ये कांग्रेस की सरकार ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है, अराजकता फैली हुई है, सरकार आपकी कोई चीज नहीं है और सारा प्रशासन भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। और इनकी एजेंसी के रूप में ये जो प्रशासन है, जो अधिकारी ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम संसद से लेकर हम सड़क तक हम इनके खिलाफत करेंगे। या तो ये सही ढंग से सही रूप से जनता की सेवा करें, या आपसे लड़ने में लगी हुई है और जनता की कोई परवाह नहीं कर रही है, यही मेरा कहना है। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनिता बदेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निम्बाराम पर जयपुर ग्रेटर निगम सफाई के कथित घोटाले के मामले में नाम घसीटने पर कहा कि यह आरोप लगाना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। यदि कांग्रेस में जरा भी साहस है तो पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए अपने मंत्रियों को गिरफ्तार करे, जिनमें उन्होंने डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम प्रमुखता से लिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में इन मंत्रियों ने जमकर लूट की है, जिसकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देवनानी ने आरोप लगाया कि ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जो पुलिस ने FSL की जांच राजस्थान की लेबोरेटरी से कराने की बजाय तेलंगाना की लेबोरेटरी से कराई। इसे जाहिर होता है कि तेलंगाना की FSL रिपोर्ट में घालमेल किया गया है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साठगांठ है। राजस्थान और तेलंगाना की FSL रिपोर्ट में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि निम्बाराम के इस वीडियो की बात की जा रही है वह पूरी तरह से कूटरचित है,
पैसे का कोई लेन देन हुआ नहीं है। कंपनी के अधिकारी स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल CSR से संबंधित बात हुई है। इससे जाहिर होता है कि सरकार ओछे हथकंडे अपनाकर RSS और निम्बाराम को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने, अपनी अंतःकलह से लोगों का ध्यान हटाने और अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश रखने के लिए पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने BVG कंपनी का प्रकरण में शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी राष्ट्रीय विचारधाराओं के लिए वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरोपित करने का जो प्रयास किया है वह निंदनीय है और इस नाते मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि इनके बाप दादाओं ने भी RSS को समाप्त करने के लिए भी कोशिश की, बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन उत्तरोत्तर ये राष्ट्रवादी संगठन बढ़ता गया। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, वो आग के साथ न खेलें इस मुद्दे पर, वो दूध का दूध पानी का पानी करें। और जहाँ तक स्पष्ट मैं कह सकता हूँ कि इस विषय में न तो कोई परिवादी है और न कहीं पैसे का लेन देन हुआ है। और जहाँ तक FSL रिपोर्ट का है, राजस्थान की FSL रिपोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि मामले में वीडियो में कांट छांट की गई है और साथ में इन्होंने अपने मित्र मुख्यमंत्री जहाँ तेलंगाना के हैं वहाँ जानबूझ करके भेजी गई, जबकि जहाँ पे केंद्रीय दिल्ली में जांच हो सकती थी, चंडीगढ़ में हो सकती थी, और न करा के क्यों इनके इल इंटेंशन थे, उस इंटेंशन के आधार पे इन्होंने FIR में भी गड़बड़ की और साथ में इन FSL रिपोर्ट में भी गड़बड़ की और न किसी पैसे का लेन देन हुआ। अब यदि आरोपित किया है, यदि आरोपित करना है तो इनके तीन जो मंत्री हैं जिसमें रीट में अभी 100 करोड़ का घोटाले का प्रकरण सामने आया है, तो डोटासरा जी हैं और साथ में रघु शर्मा जो राजस्थान के जितने CMHO ने परचेजिंग की है उसकी यदि थर्ड पार्टी से जांच हो जाए तो अपने आप दूध का दूध पानी का अरबों रुपए का उसके अंदर घोटाले सामने आएंगे। और साथ ही परिवहन विभाग जिसकी विधानसभा तक में भी गूंज हुई जिसमें इनके अधिकारी रेड हैंडेड पकड़े गए, गिरफ्तार करना है तो प्रताप सिंह खाचरियावास को करो, डोटासरा को करो और रघु शर्मा को करो। एक राष्ट्रवादी संगठन जहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ वहाँ पर यदि CSR की कोई बात होती है उसको लेकर यदि इस प्रकार के आरोप लगाते हो तो निंदनीय है। हम भत्सना करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अशोक गहलोत ऐसी चीज़ों से बाज आए और आज जो अजय माकन आए उससे भी ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के प्रकरण किए। अजय माकन अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए, दोनों ने किसी प्रकार के अशोक गहलोत ने उनकी बात स्वीकार नहीं की, दोनों ग्रुप के पैचअप की जगह वहाँ तो खुलेआम इनके विधायक बोलने लगे हैं। इधर राजस्थान में अराजकता का वातावरण है, इधर इसमें शासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं राजस्थान की जनता को ऐसे कुशासन से बचाने के लिए उचित कदम उठाए। देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, अपराध तो चरम पर है, विकास कहीं छूट गया है। अपने घर में ही उनके घर में इतनी लड़ाइयां हैं कि वो अपने घर की लड़ाइयों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और उन लड़ाइयों से जनता का ध्यान हटाने के लिए RSS जैसे पवित्र संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगी, लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री जी के OSD हैं उनके खिलाफ भी इस प्रकार की ऑडियो क्लिप के आधार पर FIR दर्ज करने की जब बारी आई तो सिर्फ यह कह करके उस पर FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि ऑडियो क्लिप के आधार पर FIR दर्ज नहीं हो सकती, इसमें कोई परिवाद ही नहीं है। लेकिन इस प्रकरण में भी कोई परिवाद ही नहीं है और सिर्फ ऑडियो क्लिपिंग है और जांच ने यह साबित कर दिया है कि ये ऑडियो क्लिपिंग की कांट छांट की गई है। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ना तो विकास चाहती है ना भ्रष्टाचार पर रोकथाम चाहती है, क्योंकि जितने भ्रष्ट अफसर जो ACB ने कार्रवाइयाँ की हैं उसमें से 75% प्रकरण ऐसे हैं जिन पर अभियोजन की स्वीकृति के लिए पेंडिंग है। अभी GS सिंधु को जो है नॉमिनेट किया गया है, आप देखिए उनके खिलाफ आरोप है और वो तो जेल में जाने वाले हैं और उनकी फाइल को FIR लगा करके बंद करा जाना ये साबित करता है कि ये कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी है, भ्रष्टाचार की खुली छूट है और इस वजह से अफसरशाही बेलगाम है। दूसरी तरफ
जिस राष्ट्रीय संगठन पर यह आरोप लगाया गया है उसमें जितनी भी जांचें हुई हैं उन सब जांचों में ये तय हो गया, जितने भी आधार आए उनमें ये तय हो गया कि ये जबरदस्ती FIR है। और चूंकि वो संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम जांच में तैयार हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल है, मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं, जिसको राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि इस पवित्र संगठन के खिलाफ कांग्रेस एक कदम उठाती है तो हम 100 कदम उठाएंगे और सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इतना ही मात्र कहना है। महंगाई के बारे में अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करती हूँ। अशोक गहलोत यदि महंगाई कम करना चाहते हैं तो पेट्रोल और डीजल पर जो उन्होंने वैट लगाया हुआ है यदि उसी को एक को कम कर दें तो मेरे को लगता है कि महंगाई और अपने आप में रुक जाएगी और प्रदेश की जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। मैडम देखिए इस विषय पर मुझे नहीं बोला, इस विषय पर जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी अपना जवाब देंगे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि यदि ये आरोप गलत साबित होते हैं तो ऐसी भी झूठी साबित होगी और ये आरोप यदि सही साबित होते हैं तो आज तक ACB ने किसी को सजा नहीं दिलाई है, ये सिर्फ डराने और धमकाने की ही कार्यवाही है। ACB सजा दिलाए तो हम मान जाएंगे कि यहाँ ACB की कार्यवाही थी,